गिवन है कि वाई इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। हाँ जी, प्रूफ की बात करते हैं। हाँ जी, y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स में ऊपर नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसी से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्वेश्चन जैसा आपको गिवन था वैसा ही गिवन अभी भी है। अच्छा, नीचे वाले को मैं अंदर ले जाऊँगा, नीचे वाले को मैं अंदर ले जाते ही क्या बनेगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन, सॉरी यहाँ आएगा आपका साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स, और बाहर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे एक काम करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि जहां साइन है उसके साथ वाले को कोस मानिएगा, उसके साथ वाले को कोस मानिएगा। इसको मान लेंगे हम कोस फाई है ये, है ना, है ना। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट, हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको साइन मानोगे साइन फाई तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कोस फाई इक्वल टू कोस फाई। कोस क्या होता है आपका, बी बाई एच ट्राइंगल आ जाएगा आपका, ट्राइंगल आ जाएगा आपका, ये आपका फाइव हो गया, ये बेस हो गया है आपका ए, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने आप ये आ गया है बी। यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, साइन फाइव, साइन फाइव होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और वो हो जाएगा आपका बी वाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो हमने निकाला है वो यही है, y इक्वल्स टू ये आपका हो गया है कोस फाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स डॉट कोस फाई प्लस कोस एक्स डॉट साइन फाई, और बाहर आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ही हमने की हैं, ध्यान से सुनिएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है ना, साइन ए कोस फाई कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस फाई, और ये हो जाएगा आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस फाइव। हाँ, इंपॉर्टेंट बात अब हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात अब हम करने वाले हैं, और वो बात ये है, वो बात ये है कि साइन एक्स की रेंज होती है, साइन एक्स की रेंज होती है माइनस वन से वन। अंदर चेंज करते हैं तो बाहर नो चेंज होते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस फाइव की, वो भी माइनस वन से वन। और अब हम बात करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस फाइव की, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो हम रेंज को लिख देंगे कि रेंज ऑफ ए साइन एक्स
प्लस बी कोस एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी ये इसका प्रूफ हुआ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, याद रखना जरूर है इसको।